पिए कह दीजिए कि मेरे बस का कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि अंगारा है हमारे गाजी मामाला जी, देखता हुआ सोलह है जितेंद्र शाही, लेकिन जितेंद्र शाही के अंदर अफान आता है गाजी भैया पानी छिड़क दे। अब हम कुछ कहते हैं शाही जी आंखें खैर दिखाते हैं हमको, चुप रहिए चुप, रीना कुछ कर दिया उसको डांटते, भैया हम डांट खा रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से शाही जी के अंदर तूफान पैदा करने की कोशिश करते हैं, गाजी जी पानी की पूरा डाल देते पानी। अब दिल्ली पुलिस भी बेचारी क्या करे, कब तक झेले तुमको, महिला पुलिस भी खड़ी है उनकी, अगर टॉयलेट जाने में हमको दिक्कत है उनको भी होगी, मानते हैं उनका ये अमला है उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मंच के माध्यम से नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ गाजी भैया ऑर्डर टू ऑर्डर फायर टू फायर, कोई ताली तेजी जागर हमसे नहीं हो रहा है, जिलों पर कर लिए देवी जागरण, हम जिलों पर किए ना खूब तालियां ठोके, बहुत मजा आया, लेकिन सीरियस हम हो गए लखनऊ गए कि अरे हमारी संयुक्त संघर्ष समिति बन गई है और गाजी है आंधी साई है तूफान और दीनानाथ दीक्षित भी अपने अंदर अंगारे लेकर आएंगे, लेकिन वहां पर उनकी गलती नहीं है मैं कहती हूँ खुद, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल गए वो अपने वादे से मुकर गए, कहना नहीं चाहती हूँ बहुत कुछ कहने को आ रहा है लेकिन संसदीय भाषा में रहना मजबूरी होती है, वहां पर हमारे नेताओं की गलती नहीं है भाई, शांति रखो थोड़ा शांति रखो, कोई नहीं करो शांति, लखनऊ के कार्यक्रम में गाजी गलती नहीं है, ना गाजी जी की ना साई जी की, पूरी संयुक्त समिति थी, किसी की गलती नहीं है, दीनानाथ जी की भी गलती नहीं है, भाई शांत रहो बहनों शांत रहो प्लीज शांत रहो शांत रहो, उसके बाद अपनी बात पे आऊंगी कि मत दो तुम आवाज भीड़ के कान नहीं होते, पुलिस प्रशासन के लोग भी सुन ले इस बात को, अभी वार्ता में गए थे हम रीना सिंह गाजी भैया अपनी सी तो कह रहे थे कि भीड़ ये कहती है वक्ता मंच पर आकर ये कहता है, तो मैं कहना चाहूंगी प्रशासन के लोग भी सुन ले कि मत दो तुम आवाज भीड़ के कान नहीं होते, मत दो तुम आवाज भीड़ के कान नहीं होते, और क्योंकि भीड़ में सबके सब इंसान नहीं होते, तो आप चाहें कि सब शांति से बैठ जाए ये नामुमकिन है, ये जनसत्ता देख रहे हैं आप सब नहीं हो सकता, सब लोग गाजी भैया जितने समझदार नहीं, मैं खुद नहीं उतनी समझदार हूँ कि सबको शांत कर दो सब शांत, एक घंटे तक तो गाजी भैया के बोलने के बाद एक घंटे तक हम जैसे लोग ही कुछ सही से बोल सकते हैं, वरना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या बोलना है, पता नहीं कहाँ से दिमाग लाए हैं ये लोगों को शांत करने का, जाने कैसे गंभीर हो जाते हैं और कैसे इतना झेल लेते हैं भगवान जाने, तो मैं कहना अब मुझसे नहीं होता है गाजी भाई आप, मैं क्षमा चाहूंगी, वो कह रही थी कि लखनऊ के कार्यक्रम में जो भी हुआ उसमें हमारे नेताओं की गलती नहीं है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब से भारत स्वतंत्र हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपनी बात से फिरा हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रत्यावेदन लिया हमारे नेताओं से, पांच सचिवों की समिति गठित की और पता नहीं चला वो प्रत्यावेदन कहाँ गया, उस पर विचार करने की प्रक्रिया कहाँ चली गई, साथियों जिस जोश और जुनून के साथ हमने बीजेपी सरकार को बनाया था, पूर्ण बहुमत में लाया था, शिक्षा मित्रों की उम्मीदों पर तो वो खरा नहीं उतर पाई, चाहे किसी की उम्मीदों पर तो उतरी हो तो उतरी हो, अब मैं कहना चाहूंगी किसानों की बात को, टीवी पर दिखा रहे थे किसानों की कर्ज माफी 3 रुपया हो रहा है एक किसान का माफ, एक किसान का 10 रुपया माफ हो रहा है, लेकिन वो किसानों की लड़ाई है, और मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रही कि मैं राजनीति करना चाहती हूँ, नो नथिंग, मैं इसलिए कह रही हूं
कहीं ना कहीं किसान के बेटे और बेटियां भी हैं। तो शिक्षा मित्रों को राहत तो कहीं से भी नहीं मिली है, और 40,000 का वेतन 10,000 पर सिमट गया है। दोस्तों, हम आप लोगों के साथ हैं। जब भी गाजी जी और साई जी दीनानाथ दीक्षित जी यहां से ऐलान करेंगे, हम सबसे आगे चलेंगे, रीना भी सबसे आगे चलेगी, लेकिन ऐलान ये लोग करेंगे, क्योंकि आज तक हम सब लोग इनके पीछे चले हैं। इन्होंने जैसे बताया है ओपन नहीं करना चाहेंगे, सहयोग किया है, भीड़ दी है, और भी चीजों की अगर इन्होंने आवश्यकता बताई उसको पूर्ति किया है। ये घोषणा करेंगे, अगर वार्ता सकारात्मक होती है बल्ले बल्ले हम सबकी, इनकी भी, अगर नहीं होती है तो आज आर और पार की होगी और इनको करना पड़ेगा। प्रशासन से मैं माफी चाहूंगी, हमारी मजबूरी है, हम निहत्थे हैं, कलम भी नहीं है, या तो स्कूलों में जाते थे तो कलम ले जाते थे, हमारे पास रुपए पैसे भी नहीं है, 100-200 रुपए पड़े होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम दिल्ली जाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी इतने निष्ठुर इतने निर्दयी हो जाएंगे कि 4-4 दिन तक हमें वहां पड़ा रहना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम था, आज हमारे पास कुछ नहीं है, प्रशासन अगर चाहे तो यहाँ पर लाठी गोली चला दे, प्रशासन अगर चाहे तो पीछे से लाठी गोली चला दो, हम यहाँ पर पूरी तरह से शासन और प्रशासन के ऊपर डिपेंड है, पुलिस प्रशासन जो चाहे वो करवा सकता है हमारे साथ, लेकिन हम उनकी व्यवस्था में पूरी तरह से शामिल हैं। पुलिस जैसे चाहेगी वैसे हम चल रहे हैं, आगे भी जैसे चाहेगी हम चलेंगे, लेकिन सरकार को ये मेरा आग्रह है, अपील है कि वो जल्द विचार करें। अब बर्दाश्त की सीमा से मामला बाहर निकल चुका है, और ये जब हद पार हो जाती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैं चाहूंगी एक बार पुनः गाजी जी को रिमांड कराना चाहूंगी कि आप जब भी यहां बोले जरूर बताएं सकारात्मक वार्ता का समय क्या होगा, अगर वार्ता सकारात्मक ना हुई तो आपका एक्शन क्या होगा, और अगर मैं बाद में आपसे कहूंगी अगर आपका एक्शन कुछ नहीं होगा तो आप यहां से कह दो कि मेरे बस का कुछ नहीं, घर जाओ, चले जाएंगे हम, काहे का संगठन, काहे की संयुक्त समिति। अगर हमें समय के भरोसे ही रहना है तो काहे के तुम नेता, काहे के हम प्रदेश प्रभारी, बस शिक्षा मित्र तो शिक्षा मित्र, तो आपके साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, आपके तरफ देख रहे हैं, डर काहे का आपको, क्यों डर रहे हो? वैसे भी तो मान सम्मान जब चला गया तो जिंदा लाश बन के जी रहा है शिक्षा मित्र, और घर वापस जाएंगे क्या लेकर जाएंगे? कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। रही बात हमारी और रीना सिंह की, दो लाइनें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, और शक्ति का नाम ही नारी है, और सबको हिम्मत देने वाली नारी कभी ना हारी है। जय हिंद, जय भारत। नागरिक है, और जब तक हमारा मान सम्मान वापस नहीं होता, हम दिल्ली में ही खाएंगे, दिल्ली में ही लैट्रिन जाएंगे, और दिल्ली में ही टॉयलेट भी जाएंगे, पर आपको हमें झेलना ही होगा, नहीं तो हमारी बात कराइए प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी से जब बात होगी तो एक ही बात होनी चाहिए साई जी और गाड़ी जी कि बनारस में जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए। अब हम योगी जी से नहीं, मोदी जी से अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात करेंगे। धरती पकड़ बन के रहना है हमको, और प्रशासन पूरी तरह पल पल की खबर आती जा रही है सरकार में,